हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक तो कल के दिन होने वाले नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी SME IPO की फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पज, उसे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी मार्केट को भी देखेंगे कि किस तरीके से इस वीकली परफॉर्मेंस रह सकती है मार्केट की। और वहां पर उसी के साथ साथ इंट्राडे पर्सपेक्टिव मंडे के दिन हमारे लिए क्या क्या इंपोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। एंड उसी के साथ साथ एक इंपोर्टेंट स्टॉक HDFC बैंक को हम डिटेल्ड में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले FII और DII डाटा चेकआउट करते हैं फ्राइडे के दिन का, तो दोनों ने करी है अच्छी बाइंग। DII ने 1500 करोड़ के पास की बाइंग करी है, वहीं पर FII ने 1600 करोड़ के पास की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर अमेजिंग फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ सबसे पहले ना अगर हम SME IPO की बात कर लेते हैं, नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ये SME IPO होने वाला है। पर्सनली अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, अगर हम इसके टॉप लाइन को देखते हैं फंडामेंटल्स में, तो वो तो अच्छे ग्रो कर रहा है, उसमें हमें दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। बट जो बॉटम लाइन है वहां पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो IPO का साइज है वो सिर्फ 10.25 करोड़ का है, जो कि काफी ज्यादा छोटा आ जाता है। और इस पॉइंट को डिस्कस करने का मतलब क्या है, देखो 10.25 करोड़, जनरली जब भी SME IPO जितने छोटे साइज का होगा, जितने भी छोटे साइज का होगा, वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा, रिस्क बढ़ता है बट रिवॉर्ड भी उसके साथ इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वैल्यूएशन वाइज भी कोई ऐसी वैल्यूएशन पर नहीं आ रहा है कि हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन कंपनी ने अवेलेबल करी है, अच्छी वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है। बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम बात करते हैं, जब भी आपने देखा होगा मार्केट का जब मूड माहौल बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है और वहां पर हमें दिक्कत हो सकती है। वैसे ही अगर हम उसके ऑपोजिट चलते हैं, तो जहां पर मार्केट का मूड माहौल है वो काफी ज्यादा सुधरा हुआ है और वहां पर काफी अच्छा मार्केट चल रहा है, तो वहां पर जनरली ऐसी मार्केट में कोई भी IPO हो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। इस बात पर भी कोई हमें समझना पड़ेगा। बट अगर मैं इसमें अपने डिसीजन की बात करूं, तो ये एक ऐसा IPO होने वाला है जिसे मैं बीइंग एन अग्रेसिव होकर अप्लाई नहीं करूंगा। डिफेंसिव होकर तो हम किसी भी SME IPO को अप्लाई करते ही नहीं है। बट अगर मुझे बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर अप्लाई करना हुआ, तो वहां पर दो तीन कंडीशनें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। HNI कैटेगरी में IPO का साइज काफी ज्यादा छोटा है, मुझे मिनिमम टू मिनिमम 200x की सब्सक्रिप्शन चाहिए अगर मुझे बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर इस IPO को अप्लाई करना है। क्वालिफाइड में मिनिमम टू मिनिमम 100x की सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर इससे हर किसी भी कम देखने को मिलती है तो मैं इस IPO को इजीली अवॉइड कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, बिकॉज SME IPO में काफी ज्यादा अमाउंट लगती है और वहां पर ये ऐसा IPO नहीं है जो पिछले IPOs गए थे जहां पर मुझे फंडामेंटली भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही थी, तो मैंने वहां पर उसे टेंशन फ्री होकर अप्लाई किया। इट्स ओके, IPO डबल भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जहां पर हमें 100% का लिस्टिंग नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बिकॉज इस टाइम मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा सुधरा हुआ है और काफी ज्यादा छोटे साइज का जो IPO है, तो वो भी वहां पर भी हमारा रिस्क तो बढ़ता है लेकिन उसके साथ रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी हमें डिसीजन बनाना है वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड को एनालिसिस करते ही अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर कोई एक ऐसा IPO है, चाहे वो डबल हो चाहे तीन गुना हो, बट अगर मुझे उसमें रिस्क ज्यादा लग रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां पर उस IPO को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा IPOs आते हैं और आते रहेंगे। बट जो भी IPOs मेरे फिल्टर के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहे होंगे, मैं वहां पर उन्हें अप्लाई करने में पीछे नहीं हटता हूं। बट इस IPO में मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे दिक्कत देखने को मिल रही है, तो बस इसी वजह से अगर मुझे यहां पर IPO अप्लाई भी करना हुआ, तो बहुत सोच समझ कर बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर ही इसे अप्लाई करूंगा। अगर हम GMP की बात करते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि 60% का GMP चल रहा है, काफी लोग GMP के बेसिस पर भी अप्लाई करते हैं, एक अच्छा GMP भी हमें देखने को मिल रहा है। बट जितने भी लोग पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मालूम है कि मैं कभी भी GMP के बेसिस पर कोई भी IPO अप्लाई नहीं करता, मैं वहां पर कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे कंपनी में हल्की सी भी दिक्कत देखने को मिलती है, स्पेशली SME IPO में, तो मैं वहां पर उसे क्लियरली अवॉइड कर देता हूं। तो ये था इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पज, जो आपको
आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिएगा, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एनालिसिस करिएगा और उसके बाद फाइनल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा, जहां पर मैंने ब्रीफ में डिस्कशन करने की कोशिश करी थी। आई होप कि आपको इसमें काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी हो कंपनी के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये था हमारा फ्लैट बेस का पैटर्न कि जिस भी साइड तोड़ेगा, देखो किसी भी साइड तोड़े, ऊपर की साइड तोड़े वो अलग मैटर है, निचली साइड तोड़े वो अलग मैटर है, किस भी साइड तोड़ता है वो नहीं पता, बट जिस भी साइड टूटेगा वहां से हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर स्पेशली कहा था 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें ऊपर की साइड मिल सकता है और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हमें नीचे की साइड मिलेगा। जिस भी साइड जाएगा, नीचे की साइड जाएगा तो 1:1 मतलब कि जितनी ये रेंज है उतना ही हमें नीचे की साइड मूवमेंट, और ऊपर की साइड जाएगा जितनी ये रेंज है उसका डबल साइड की मूवमेंट। अब आप देख लो क्या बात कही थी और क्या बात हमें देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा सही रहूंगा, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट प्राइस वॉल्यूम एक्शन को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बेस पर ही हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम मंडे के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो अब हमारे लिए क्योंकि ऊपर की साइड तो देखो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, बट ऊपर कहां तक जा सकते हैं उसे हम वीकली बेसिस पर जब स्टडी करेंगे तब देखने की बात करेंगे। बट इमीडिएटली अगर हम बात करते हैं ना मंडे के दिन, तो देखो ऊपर की साइड बेशक हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो 20,400 पर हमें अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर मार्केट जहां से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट अगर हम यहां पर एंट्री बनाते हुए पुट साइड में, तो हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग करनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस जनरली जो मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का होता है, यहां पर वो स्टॉप लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें यहां पर ऊपर की साइड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। और कहां तक जाएगा, मार्केट कहां रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। हम यहां पर प्रॉपरली बिना चार्ट के ऊपर की साइड कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। बट अगर हम निचली साइड की बात करते हैं इमीडिएट सपोर्ट की, तो जिस भी दिन का अगर हम डेली कैंडल चार्ट पर चले ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जिस भी दिन का जब तक मार्केट पिछले दिन का अंडरकट लो को अंडरकट नहीं करती है, तब तक के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट हमारे लिए कल के लिए जो सपोर्ट होगी इस कैंडल का लो लास्ट दिन का 20,180 के पास का, जी हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है। अगर मार्केट यहां पर आता है तो एक बार के लिए ऊपर की साइड प्ले किया जा सकता है एक छोटे से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब अगर हम बात करते हैं, देखो ये तो था इंट्राडे पर्सपेक्टिव जो हमने डिस्कशन करी है, बट अगर हम वीकली बेसिस की बात करते हैं, तो वीकली बेसिस पर भी जो हमने बात करी थी जहां पर इसने फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया है, जहां से किस साइड जाता है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे इसने ऊपर की साइड को तोड़ा, हमें इमीडिएट चारों दिनों में एक अच्छी मूव मिल चुकी थी और हमारा काम वहां पर हो चुका था। अब अगर हम ऊपर की साइड बात करते हैं, तो जो मेन रेंज है 20,000 to 400 to 600, अगर मार्केट को छोटा सा रिट्रेसमेंट करना है, देखो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि मार्केट को रिवर्सल लेना है, रिवर्सल वाला सिनेरियो अलग हो जाता है जहां पर मार्केट एक अपना हाई बनाकर फिर नीचे को चला जाएगा, वो सिनेरियो नहीं कह रहा हूं। बट अगर मैं एक छोटे से रिवर्सल की बात करूं, क्योंकि मार्केट भी काफी ज्यादा एक्सटेंड हुआ पड़ा है, अगर आप इसके 10-day 20-day मूविंग एवरेज को अप्लाई करके देखोगे तो उससे भी अपनी 10-day 20-day से भी काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा मार्केट एक्सटेंडेड है इस टाइम पे। बट अगर मार्केट को छोटा मोटा रिवर्सल लेना है, तो वो रेंज आ जाती है 20,400 से 600 की रेंज, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है जहां से मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल ले सकता है। और इस रिवर्सल में जब भी मार्केट ये लेता है तो हमें वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में दिक्कत देखने को मिल सकती है, यानी कि हमारे ब्रॉडर मार्केट में। बट अगर हम ट्रेलिंग लेवल की बात करते हैं, तो वो ट्रेलिंग लेवल अब हमारे लिए निकल कर आ जाता है 19,000, जो यहाँ पर इसने लो बनाया था, ये लगा लो 19,650 का, मतलब कि ये वो एरिया आ चुका है जहां पर इसने इस फ्लैट बेस के पैटर्न का जो लोअर एरिया आ चुका है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर हम ट्रेलिंग कर रहे हैं और हमारे पास अच्छी पोजीशन से स्टॉक्स ऐड है। अगर हम अग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, तो वहां पर इसी जो रेंज का था वो उसका अपर एंड, यानी कि 19,870 के पास का, वो हमारे लिए अग्रेसिव होकर स्टॉप लॉस आ जाता है ट्रेलिंग लेवल के लिए। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल हो चुके हैं। बट अब देखा जाए तो इलेक्शंस का भी सिनेरियो शुरू होगा, तो वहां पर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि ये हमें क्लियरली एक साइड की डायरेक्शन मिली है, तो अब से हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग वाले भी मूवमेंट देखने को मिल जाए, तो हमें उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अगर मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्सल लेके जो एक्सटेंडेड हुई है उसे नॉर्मल कर देती है, तो फिर हमें फिर से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये रिवर्सल कहां तक का हो सकता है,
मेनली ये रिवर्सल आ जाता है 19,870 तक का, या 900 हम राउंड ऑफ में बोल सकते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इस रेंज का, इस फ्लैट बेस के पैटर्न की अपर साइड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, जहां तक अगर चाहे तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। इस चीज को हमने स्टडी करने की कोशिश करी है प्योरली ऑन प्योरली प्राइस वॉल्यूम एक्शन, और मंडे सेकेंड हाफ से अगर मार्केट थोड़ा सा शांत हो जाता है तो वहां पर मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने इस वीक हमें अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। मतलब कि जो पिछले 2 वीक्स का इसने टाइम पास किया था जहां पर, उसे एकदम से इसने निकाल कर पूरे के पूरे हमारे जितने भी शिकवे थे पूरे कर दिए हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा बैंक निफ्टी में 46,000 से 300 की रेंज। जो ये रेंज है ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। अगर बैंक निफ्टी को रिवर्सल लेना है तो इस रेंज से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, और उसी के साथ साथ इमीडिएट भी अगर मार्केट 45,000 के लेवल को क्रॉस करती है तो वहां पर हमें 46,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आप देख लो क्या ही हमारी परफेक्ट स्पोर्ट से जहां से मूव मार्केट में आया और पूरा खींच के ले गया ऊपर की साइड, जहां पर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, जा रहा था, न्यूज आई, बैंक निफ्टी की रिट्रेस हुआ, और वहां से क्या ही परफेक्ट मूव ऊपर की साइड हमें देखने को मिल चुका है। बट इंपॉर्टेंट होगा मार्केट इस रेंज में किस तरीके से बिहेव करती है, इसको ब्रेकआउट देती है या नहीं देती है। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब अगर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की, HDFC बैंक, क्योंकि उसने काफी टाइम से काफी लोगों को परेशान किया हुआ है, तो ना मैं इस चार्ट में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं जहां पे कुछ बना रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। ये था हमारा डबल टॉप का पैटर्न, जहां से ऊपर को आया बट इसने ट्रिपल बॉटम बनाकर वहां से इसने ब्रेकआउट दिया और सीधा खींच के ले गया नीचे की साइड, और यहाँ पर इसने बेस बनाने की कोशिश करी है जहां से हमें अच्छा मूव मिल चुका है। तो जो ये इसे वाला एरिया था, अब ये है इसका फंसने का एरिया। अब साइकोलॉजी क्या बोलती है, स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आई होप कि आपने यहाँ पर इस चीज को समझ लिया होगा। बट जो ये एरिया है यहाँ पर काफी लोग फंसे हुए थे, तो जहां पर इस बाइंग पॉइंट पर आ चुका है, अब या तो ये लोग अगर निकलते हैं तो हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट अगर मार्केट इस लेवल को खींच के जाता है तो इसका ऊपर का जो लेवल होगा तो ये कहां तक जा सकता है, 16,060 से 1,700 की जो रेंज आ जाती है, ये इसका नया फंसने का एरिया होगा। मतलब कि अभी अगर इसको निकाल कर ऊपर की साइड निकलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोटिस में आ जाता है स्टडी परस्पेक्टिव। अगर हम एग्जैक्ट लेवल की बात कर लेते हैं कि जब तक ये स्टॉक यानी कि हमारा HDFC बैंक 1580 के ऊपर निकलता है तो वहां पर हमें 1680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 1650 से 1680 की रेंज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इंपॉर्टेंट होगा स्टडी करना। और एक ऐसा चार्ट है, अगर ये निकला तो ये हमारी बैंक निफ्टी को भी खींच के ले जाएगा, और बैंक निफ्टी गई तो निफ्टी तो ऑटोमेटिक चली जाएगी। बट जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव पर ही है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन करना हो, कुछ भी ट्रेडिंग करनी हो या कुछ भी इन्वेस्टिंग करनी हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करवानी हो, या आप चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।